हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेलेक्शन क्लासेस। सो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द कैट 2018 क्वांट पेपर सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इट इज सेइंग अ ट्रेडर सेल 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ पेंट्स ए एंड बी वेयर द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए। ठीक है, तो आपके पास ए और बी दो टाइप के पेंट हैं, जहाँ पे इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इसका क्वांटिटी को मैं इसको एक्स लेता हूँ, सो दैट वुड बी 10 माइनस एक्स, राइट। तो बोलता है कि बी की अमाउंट ए से कमी होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब 10 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स। तो 10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 2x, तो आई कैन से एक्स शुड बी लेस देन 5, राइट। एक्स की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, बट क्वेश्चन ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे समझ में आता है, क्योंकि ये बोलता है इफ़ द ट्रेडर सेल्स एंटायर मिक्सचर फॉर ₹264 में 10% प्रॉफिट, हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कितनी हो सकती थी। तो ये हाईएस्ट अगर आपको करना है, अगर आपको हाईएस्ट करना है तो क्वेश्चन ख़त्म है। कैसे ख़त्म है सर, बताते हैं एक मिनट। तो अगर मैं इस पर बात करता हूँ हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बी ये तब होगा जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 से कम पे कम रहेगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू हाईएस्ट के लिए 5 हो जाएगी, तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये कहता था, तो क्वांटिटी ऑफ ए बी 5 होगा और क्वांटिटी ऑफ बी बी 5 होगा। ये मैक्सिमम का केस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, ये बोलता है ए का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है 8 रुपीज़, तो इसको मैं k मान लेता हूँ, k प्लस 8 हो जाएगा। तो बस मुझे इतनी सी बात समझ में आती है। अगर आपको थोड़ा सा भी रेशो का जानकारी है, यू मस्ट बी प्रो इन रेशो, तो ये बोलता है कि आपको 264 में बेचा है, 10% का प्रॉफिट है, तो 264 में बेचा है एंड 10% इज एक्चुअली 10%, यू नो दैट इज़ 1/10, तो 10 रुपये के चीज़ को हम 11 में बेचते हैं, यही मतलब होता है। तो 11 की वैल्यू इट इज़ गिवन टू अस 264, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 2 = 24, मतलब एक यूनिट 24 के इक्वलेंट है। तो आई कैन से इनका जो कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है वो 240 हो जाएगा। इसका मतलब जो मिक्सचर की कॉस्ट है वो 240 रुपीज़ हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे करके देख लीजिए, 264 जो है वो 110% ऑफ CP है। यहाँ तक समझ में आया होगा वाई आई एम टेकिंग 110, बिकॉज 10% प्रॉफिट है, राइट। तो आई कैन से कि जो CP है मिक्सचर का 240 रुपीज़ है, होपफुली इट इज़ क्लियर। तो यहाँ से CP कितना आएगा, 5K प्लस 40, और यहाँ से 5K, मैं मैक्सिमम पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 240। तो यहाँ से 10K इक्वल टू 200, तो K की वैल्यू आ जाएगी 20, एंड दैट इज़ द प्राइस ऑफ द बी, बिकॉज मैंने इसको K अज्यूम किया है। बट ये हाईएस्ट है, क्वेश्चन में आपको लिमिटेशन दे रखी है ना कि एक्स की वैल्यू हालांकि कम होनी चाहिए, बट हाईएस्ट के बारे में बात कर, तो भैया हाईएस्ट तो तभी होगी ना जब मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तब ले सकता हूँ जब मैं इसको 5 रखूँगा, एल्स वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 5, वो दे नहीं रखी क्वेश्चन में। सो दैट वॉज ब्यूटिफुली डिजाइन क्वेश्चन, राइट। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये लॉग का क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चे प्रो हैं लॉग में उस बात को अच्छे से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लॉजिकल था क्वेश्चन घुमाने वाला। ये बोलता है log बेस 12 81 की वैल्यू p दे रखी है, तो इतनी तो बात समझ में आती है, 81 3 की पावर 4 होता है, तो 3 की पावर 4 p है, तो 4 को मैं आगे ले आता हूँ और ये हो जाएगा log बेस 12 3 इक्वल्स टू p। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको निकालना है थ्राइस ऑफ 4 माइनस p और 4 प्लस p। p की वैल्यू तो मेरे पास आई गई है, मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, तो 4 माइनस 4 log बेस 12 3 एंड 4 प्लस 4 log बेस 12 3, राइट। यहाँ से तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से, तो वी है 1 माइनस log बेस 12 3 और 1 प्लस log बेस 12 3। तो यहाँ से 4 का कोई यूज़ नहीं बचेगा, 3 इंटू ये हो जाएगा, अब देखो 1 आ गया, तो log 1 कब बनता है, यू नो log a जब नंबर और बेस सेम हो जाए तो ये 1 होता है, और मेरे पास बेस 12 चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा दिमाग इतना लगा देता हूँ, 1 को मैं 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, और नीचे लिखेंगे हम 12 प्लस log बेस 12 3, राइट। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है log a माइनस log b, बेस सेम होना चाहिए, तो log a अपॉन b होता है और सम में ये प्रोडक्ट हो जाता है, तो दैट इज थ्राइस ऑफ log बेस 12 और आई कैन राइट 12/3, राइट, और ये हो जाएगा log बेस 12
12 into 3, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, मैं नेक्स्ट पेज यूज़ करता हूँ, 3 लॉग बेस 12, 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर, 4 3 4 12 एंड दिस इज लॉग बेस 12 36 राइट। अब यहाँ से भी और चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एक और प्रॉपर्टी है लगी यहाँ पे लॉग की, कि अगर आपके पास लॉग बेस कुछ भी ले लेते हैं, 10 तो मैंने ज़बरदस्ती ले लिया, आप कुछ भी नंबर के है, फॉर एग्जांपल ये नंबर ए लिखा है और लॉग बेस के बी लिखा है, तो आप के को हटा के बी जो नीचे लिखा है वो बेस बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा कैट इसको यूज़ करता है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो आई कैन राइट कि लॉग बेस 6, नॉट 6 36 एक्चुअली, तो आई कैन राइट लॉग बेस 36 और ये हो जाएगा 4 ठीक है। तो 36 कितना होता है सब बच्चों को पता है, एक और प्रॉपर्टी होती है, सारा खेल प्रॉपर्टी क्या है लॉग का, कि लॉग बेस की पावर m और नंबर की पावर n, तो आई कैन राइट n अपॉन m लॉग बेस बी a, ये भी प्रॉपर्टी है ठीक है। तो 3 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो 3 इंटू पावर यहाँ से 2 कॉम बाहर आएगी और इसकी नीचे आएगी 2, तो लॉग बेस सिक्स 2 ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लॉग बेस 6 2 ठीक है। अब इस 3 को मैं थोड़ा सा इसके सर पे बिठा देता हूँ, तो जब आप इसके सर पे बिठाओगे तो लॉग बेस 6 2 की पावर 3 लॉग बेस 6 8 हो जाएगा। दैट वाज ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, सो कैलकाटा ऐसे ही भैया करता है ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट बनेगा राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक कोन कटिंग का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आप अपने आप को सुसाइड के बराबर सिचुएशन में पाएंगे। तो देयर इज अ राइट सर्कुलर कोन, वी मस्ट नो अ कोन ऐसी होती है ओके, नाउ इसकी हाइट है 12 फीट की, दिस हाइट इज 12 फीट ओके, नाउ ए बेस पे स्टैंड होती है विच हैज अ डायमीटर ऑफ 8, सो रेडियस इसका 4 फीट का हो जाएगा। नाउ द टिप ऑफ द कोन इज कट ऑफ विद अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द बेस एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, यहाँ से आपने इसको कट लगा दिया 9 फीट पे, तो दिस इज 9 फीट। तो जैसे ही मैं इसमें कट लगाऊंगा मेरे पास 2 टुकड़े हो गए इसके इस तरह से, तो इसकी हाइट 9 है और ये छोटू कोन है इसकी हाइट 3 फीट है, यहाँ तक समझ में आया होगा राइट। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम रिमेनिंग पार्ट, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वॉल्यूम निकाल, तो कुछ बच्चे पूरा वॉल्यूम निकालेंगे फिर छोटे वाले को माइनस करेंगे ब्ला 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 ठीक है। मुझे तो एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इस वाले वॉल्यूम, ये जो बड़ी वाली है इसके वॉल्यूम को V मान लेता हूँ, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, तो मुझे V2 निकालना है, तो V2 बेसिकली कुछ नहीं है, V2 V-V1 है, बट कितना होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही तो सारा खेल है। तो सिमिलरिटी यूज़ करनी है यहाँ पे, सिमिलरिटी कैसे यूज़ होगी सर, भाई आपने ट्रायंगल बना दिया, इसका हाइट आपको नहीं पता, अच्छा इसका हाइट तो पता है 3, इसका रेडियस नहीं पता, कोई बात नहीं है, तो मैं R मान लेता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, देखो कैसे, तो मैं छोटू ट्रायंगल जो बना है ऊपर वाला ट्रायंगल और ये जो नीचे वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें सिमिलैरिटी लगाता हूँ पूरे वाले में, तो इसकी हाइट है छोटू वाले की 3 ठीक है, और इसकी टोटल हाइट है 12 राइट, इसकी टोटल हाइट है 12। और ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप थोड़ा सा मैथ पढ़ रहे हैं अच्छे लेवल का, तो जो वॉल्यूम होता है कोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट क्यूब या तो रेडियस क्यूब, क्योंकि आप कोन कटिंग के जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा जितना आपका हाइट होगा राइट। तो आई कैन से कि अगर मैं V1 जो छोटा वॉल्यूम है कोन है और जो V है उसका वॉल्यूम रेशियो निकालना चाहूँ, तो इसकी हाइट का रेशियो या इसकी रेडियस का रेशियो 1:4 आएगा, मतलब अगर आपके पास छोटे वाले की हाइट 4 है तो बड़े वाले की हाइट 1 होगी या रेडियस भी 1:4 की रेशियो में आएगा, तो मैं इसको हाइट ही मान लेता हूँ हाँ। तो आई कैन से ये H1 का क्यूब होगा और ये H का क्यूब होगा, तो H1 आपको दे रखा है 1 और ये दे रखा है आपको 60, मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा बेसिकली राइट, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं ये बात कह पाऊंगा आपसे कि इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिस इज 64-1 63 पार्ट हो जाएगा। अब पंगा ये है कि सर 63 पार्ट तो आपने लिख दिया बट हमको तो एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है कोई बात नहीं एक्चुअल कर लेते हैं। सो बस मुझे इतनी बात बता दो कि बड़ा वाला जो कोन है इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये सब कुछ तो दे ही रखा है, आर दे रखा आपको कितना 4 into 4 फीट और हाइट दे रखी है 12, तो 3
4 × 12 एंड 64 pi। इसका मतलब तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि जो v दे रखा है वो 64 pi के इक्वल दे रखा है, और मेरे हिसाब से जो v का रेशो है वो 64 पार्ट है, तो 64 = 64 pi, तो 1 यूनिट की वैल्यू पाई के इक्वल आ गई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आपसे बोलता है आपको रिमेनिंग पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, वो कर लेंगे बाद में देखेंगे उसको। तो अगर मैं v की बात कर रहा था, आपके पास ये जो निकला है v2, तो v2 आपके पास 63 यूनिट्स निकला था, और एक यूनिट का मतलब पाई है, तो 63 pi। अभी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 63 pi है ना वॉल्यूम, तो दिस इज़ आंसर। अगर मुझे नंबर्स में निकालना है तो 22/7 कर लूँगा, तो 7 × 9 = 63 एंड 22 × 9 हो जाएगा 198 feet³। सो दैट वॉज ईजी डूएबल क्वेश्चन, यदि आपको एक कंसेप्ट पता है कोन कटिंग का, वरना आप कैलकुलेशन में मर जाते हैं इस क्वेश्चन में डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन लॉक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि 2 की पावर x जो है वो 3 log base 2/5 दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि लॉग को सर पे बिठा देता है, तो दो बातें ध्यान रखनी है, या तो जो बेस है वो सेम होगा, अगर नहीं बन रहा है तो इसको लॉग को नीचे उतार देना सर पे से। कैसे उतारेंगे, देखो दोनों तरफ लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ऐसे दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे, इफ आई टेक लॉग बोथ साइड, सो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली, दिस इज एक्स, आप कोई भी बेस ले सकते हैं, बेस फ्री है, तो लॉग एक्स लॉग, ये एक्स नीचे आ जाता है लॉग, मैंने फॉर एग्जांपल 10 बेस पे काम कर लिया, 10 कोई भी बेस ले सकते हैं, बट जो बेस है लॉग का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बेस जो है वो 1 से बड़ा होता है, बेस 1 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 से बड़ा, ठीक है, बेस 1 नहीं हो सकता, इस बात ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, 0 से बड़ा होता है बेस, हाँ 0 से बड़ा, नॉट 1 से बड़ा, 0 से बड़ा, ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं बट 1 नहीं ले सकते बेस में। तो मैंने 10 ले लिया, जनरली 10 आप ले सकते हैं, तो ये लॉग बेस 10 2 हो जाएगा, और ये इसको सरफेस से उतारूंगा, लॉग बेस 5 2 लॉग बेस 10 3, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगा पाता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी सर, लॉग बेस 5 2 लॉग बेस 10 3 और लॉग बेस 10 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देख पाता हूँ, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी सिखाई थी पिछले क्वेश्चन में कि log a अपॉन k ऐसे लिखा है, सेम बेस है और यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर है, तो आप नीचे वाले नंबर को बेस बना सकते हैं ऐसे। तो बाय द यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी आई कैन राइट log बेस 5 2 into, ये हो जाएगा log बेस 2 log बेस 8 बेस बन जाएगा 3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे log बेस 2 है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे, देखो जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको पता होंगी लॉग की आप उसमें खेल लोगे, वरना आप इसमें परेशान हो जाओगे। एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए बेस ए बी, आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, लॉग बी को बेस बना सकते हैं और ये जो नंबर बेस है इसको आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो एक्स इक्वल्स टू लिखा था लॉग बेस 5 2 इंटू लॉग बेस 2 3, ठीक है, लॉग बेस 2 3, मुझे इतनी बात तो समझ में आ चुकी थी कि आप 2 को हम कॉमन बेस बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको मैं लॉग बेस 2 3 और इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 2 5, और ये प्रॉपर्टी अभी जस्ट मैंने बताई थी, अब ये 5 इसका बेस बन सकता है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। बट आंसर मैच ही नहीं कर रहा सर, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप बाकी ट्राई कर लेना, मुझे पता आंसर इसका बी होगा, तो इसको बी को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है, तो आंसर कैसे दे रखा है वो देख लेते हैं। तो 1 प्लस लॉग आंसर मैच करा देता हूँ ना, 5 3/5, ठीक है, इसको बोलते हैं गेट पर पहुँचने के बाद भी एंट्री नहीं मिलना। 1 को आप क्या लिखेंगे, अगर बेस का लॉग का बेस और ये नंबर सेम हो जाता है वैल्यू 1 होगी, तो मुझे 5 बेस दिख रहा है, तो मैं 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग बेस 5 5, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, और लॉग ए अपॉन बी मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस लॉग बी, ऑफकोर्स सर बिल्कुल सही बात है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आंसर लिखा है वही आंसर है जो यहाँ पे मैच कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब कर रखा था, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, और बच्चा यहाँ पे एक स्टेप करने के बाद थोड़ा सा मिस कर सकता है चीज़ों को।
while multiplying a 3 real number, Ashok took one of the number as 73 instead of 37. As a result, product went up by 720, right? तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जो बच्चे अक्सर करते हैं पेपर में, कि तीन नंबर है ए बी और एक नंबर है 37, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 37 इंटू ए बी, लेकिन बच्चे ने इसको 73 ले लिया. ऑफकोर्स ये बड़ा नंबर है, तो 73 ए बी माइनस 37 ए बी, इनका जो डिफरेंस है वो 720 के इक्वल दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 36 ए बी इक्वल्स टू 720, तो ए बी जो है वो 20 आ गया. अब यहाँ पे बच्चों ने क्या गड़बड़ किया होगा कि इसको फैक्टराइज कर लिया होगा तुरंत, 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, और ए स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. बट जो मिसिंग करने वाली बात है ये है कि आपको रियल नंबर दे रखे हैं, तो यू आर नॉट श्योर कि नंबर इंटीजर ही होंगे, और जब यही नहीं पता है तो मैं क्यों इतनी फालतू बकवास करूँगा. तो यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ होता है ए एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी एम, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से. तो मुझे जो दो नंबर है मैं उनका मीन लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू, इट शुड बी ग्रेटर दैन द ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज वी हैव टू नंबर्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये तो सर रूट के बाहर आ जाएंगे डेफिनेटली, तो ए बी आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये टू है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ए बी की वैल्यू तो आपने निकाली ली 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 40, तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 40, या तो 40 से बड़ी होगी 40, बट मिनिमम वैल्यू वुड बी 4040. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट? ओके, ज्योमेट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसमें मार खा गए थे, हालांकि ज़रूरत नहीं थी. देखो क्वेश्चन बोलता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी मान लेते हैं, इसकी साइड को 24 अज्यूम कर रखा है, 24 है राइट, और आपने ट्राइंगल बनाए हैं टी टू, ये टी वन नाम दे दिया इसको, एक अंदर ट्राइंगल बनाया इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए. तो मिड पॉइंट थ्योरम पता है कि अगर ये पैरेलल है मिड पॉइंट है तो ये हाफ होगी, मतलब इसकी साइड 12 होगी. फिर हमने एक और ट्राइंगल बनाया इसके अंदर जो कि इसकी मिड पॉइंट है, इसकी साइड 6 होगी. फिर आप इसके अंदर एक और बनाओगे इसकी साइड 3 होगी, एंड सो. तो आपसे बोलता है सम ऑफ द एरियाज, कुछ इतनी भी नहीं यार, ये जी पी बनेगा, इनफाइनाइट जी पी बनेगा. ठीक है, तो पहले वाले का एरिया कितना होगा, अगर मुझे एरिया निकालना है तो सबका एरिया ऑफ टी वन प्लस एरिया ऑफ टी टू एरिया ऑफ टी थ्री एंड सो ऐसे करना है. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यू मस्ट नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग दैट रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो रूट 3/4 तो सब में कॉमन ही आएगा. पहले वाले का जो ट्राइंगल है उसका साइड 24 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर एंड सो इनफाइनाइट टाइम्स तक. एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जी पी, यू नो दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट जी पी, इट इज ए अपॉन 1 - r. यहाँ पे r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, इट कैन नॉट आउटसाइड द, कैन नॉट बी आउटसाइड द रेंज. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन रेशियो देखता हूँ, जी पी बन रहा है इसमें, जो कॉमन रेशियो है 1/4 1/4. ठीक है भाई, आप देखो ना, आपके पास लिखा है 24 into 24 स्क्वायर और 12 into 12 से आप इसको डिवाइड करना चाहते हो. बेसिकली मैंने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, क्योंकि मुझे 12/12 ऊपर लिखना था, क्योंकि जो कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज 12 into 12 और 24 into 24, तो दिस इज़ टू. तो 1/4 का कॉमन रेशियो बन रहा है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, और फर्स्ट टर्म आपको दे रखे 24 का स्क्वायर, तो √3/4 और इसका हो जाएगा 20 a की वैल्यू 24 into 24 और 1 - 1/4, तो दिस इज √3/4 into ये 24 into 24, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 8 जा, एंड 24 into 8 कितना होता है सबको पता है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, 192 √3. आंसर एकदम ऑप्शन नंबर ए के साथ चमक गया, राइट? आगे बढ़ते हैं. सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली मैंने प्रीवियस स्लाइड में सॉल्व कर लिया था, आप देख लेना वीडियो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था. यहाँ पे लैंग्वेज सब कुछ थी, अगर आप लैंग्वेज मिस कर जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन होने वाला है नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ होलसेलर बॉट वॉलनट एंड पीनट. ठीक है, उसने वॉलनट खरीदे, कुछ पीनट खरीदे, होलसेलर ने खरीदे हैं. द प्राइस ऑफ द वॉलनट पर के जी बीइंग थ्राइस. ठीक है, तो इसका प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, इसका आप 10x मान लो तो 30x है, थ्राइस है पीनट के मुकाबले. ही देन सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 60 kg शॉपकीपर. अब ये बेच रहा है, ये है ना, शॉपकीपर को बेच रहा है, और शॉपकीपर फिर किसी कस्टमर को बेच रहा है. तो ये बात समझने वाली है कि शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, सी पी टू शॉपकीपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था.
तो अगर मैं बात करता हूँ, ये भी बोल रखा है क्वेश्चन में कि हाउ अ शॉपकीपर ने 5 किलो वॉलनट, जो वॉलनट है, और 3 किलो पीनट रास्ते में गिर गए, खो गए, जो भी हुआ, और इनिशियली इसने कितना लिया था? पीनट लिए थे इसने 8 kg और वॉलनट लिए थे इसने 16 kg, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे रखा था, प्रॉफिट 10% का और यहाँ पे 20%, ठीक है। तो CP ऑफ शॉपकीपर कितना बनेगा, ये सुपर इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली थी कि 10% का प्रॉफिट जो होल सेलर है वो कर रहा है, तो 33 पे बेचेगा ना भाई, 30 का प्राइस 10% अप करेगा 33, सो 33x पे बेचेगा, और इसने 16 kg बाई की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये शॉपकीपर की बात करूँ मैं, और इस पर 20% कमा रहा है, तो भैया 12x हो गया और इसमें 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 × 16, तो 330 और 300 198 आ जाएगा, 33, हाँ 198, और 528 प्लस 96, तो 6 × 8 = 14, और ये हो जाएगा 53 × 9 = 62, 624, कुछ एरर आ रहा है क्या यहाँ पे? 20%, एक मिनट, ओह हमने उल्टा कर दिया, पीनट पे 10%, माई मिस्टेक, एक मिनट, हमने पीनट पे 10% का प्रॉफिट लेना, मैंने उल्टा ले लिया, हाँ कोई बात नहीं, अभी रेक्टिफाई कर देते हैं। तो पीनट पे 10% है और इस पर 20% है, इसका मतलब इस पर जो सेलिंग प्राइस इसका होल सेलर जो बेचेगा वो 36x पे बेचेगा और ये 11x पे बेचेगा, तो शॉपकीपर को कितने का पड़ेगा? 36x × 16 + 11x × 8, ठीक है। तो 36 × 16 करेंगे तो 360 और कितना हो जाएगा, 108, 216, तो हो जाएगा 576x + 88x, ये हो जाएगा 664x, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये तो उसने टोटल क्वांटिटी है, दैट इज CP टू शॉपकीपर, दैट वाज वेरी इजी, 664x, और ये उसके पास जो टोटल थी भाई, वॉलनट कितने थे, 16 वॉलनट प्लस 8 पीनट, तो 24 केजी का मामला बन रहा था। बट अभी क्या हुआ, उसने कुछ नुकसान कर लिया, वॉलनट उसके 5 केजी चले गए, हाँ तो अभी बचे कितने हैं, -5, तो यहाँ से कर दो तो 11 वॉलनट बचे हैं, और 3 केजी उसके पीनट चले गए, खो गए रास्ते में, क्या लिखा है, शॉपकीपर लॉस्ट, तो 3 केजी चले गए, तो अभी भी 5 केजी पीनट बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बोलता है, ही देन मिक्स द रिमेनिंग नट्स एंड सोल्ड द मिक्सचर 166 पे बेचा, ओवरऑल 25% फ़ायदा कर रहा है, ठीक है। तो 166 पे पूरा का पूरा कितना बेच रहा है भाई, 16 kg बेच रहा है, और ये आपको गेन कर रहा है कितना, 25% के हिसाब से, मतलब ये जो है, ये जो 166 × 16 है, ये 125% है ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 166 × 16, और 125% होता 5/4 × CP, तो यहाँ से जो CP की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 166 × 16 × 5/4, एंड ये जो टोटल आएगा ये 16 kg का आएगा, राइट, 16 kg का मिक्सचर का आएगा ये प्राइस, इसमें 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, एक मिनट, 4 विल बी अपसाइड, दैट इज 16 × 4/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो CP आएगा 2124.2 आएगा, राइट, 2124.8 आएगा, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी जो कॉस्ट प्राइस आया किसके इक्वल होगा भाई, जो उतना जितना इसने इन्वेस्टमेंट किया था 664, सो 2124.8/664, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, एंड कैलकुलेटर आपके सामने एग्जाम में था, बेसिकली आप इसमें थोड़ा सा यूज़ कर सकते थे, तो x इज़ कमिंग आउट टू बी 3.2, मतलब x की वैल्यू 3.2 है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, पर केजी का आपको होल सेल प्राइस निकालना था, व्हाट प्राइस डिड होल सेलर बाय द वॉलनट, ठीक है। तो वॉलनट आपको होल सेलर के लिए, तो होल सेलर के लिए 30x है ना भाई, होल सेलर के लिए 30x का प्राइस है, और x की वैल्यू 3.2 है, तो ये 96 आ जाएगा, तो आई कैन सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, सी ऑप्शन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ऑफकोर्स आई कैन सी, बट मुश्किल डिपेंड करता है एग्जाम में, मुश्किल लगता है ऑफकोर्स राइट, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मुश्किल नहीं था, था मुश्किल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर अप कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये क्वेश्चन कर सकते हैं फंक्शन का, ठीक है।
क्वेश्चन बोलता है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, राइट। ये कुछ फंक्शन दे रखा है, इंटीजर है एक्स, एफ इलेवन आपको दे रखा है 91 और एफ 15 की वैल्यू दे रखी है 617, तो एफ 10 निकालना है, ठीक है, हमको एफ 10 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एफ 11 की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो 11 रखेंगे तो 11 प्लस 2 हो जाएगा, दिस इज़ एफ ऑफ 11 एंड दिस इज़ एफ ऑफ 11 प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 13 इक्वल्स टू एफ ऑफ 11 प्लस एफ ऑफ 12, ठीक है। तो इसको मैं, ये तो यही रखा हमको 91, और इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो एफ ऑफ 13 की वैल्यू आप कुछ भी मानेंगे तो ये 91 प्लस ए आ गया। नाउ हमको 15 पहुँचना है, तो 15 पहुँचने के लिए आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू को रखना पड़ेगा 13, तो 13 प्लस 2 हो जाएगा, ये एफ ऑफ 13 हो जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ 14 हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ 14। इसका मतलब एफ ऑफ 14 कहीं ना कहीं हमको निकालना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो अगर मैं एफ ऑफ 14 की बात करता हूँ, आप पैटर्न बन गए, 15 है, 13 है, 14 है, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 2 कम आएगा तो एफ ऑफ 12 आएगा और यहाँ पे एफ ऑफ 1 कम आएगा 13, ठीक है। तो एफ ऑफ 14, एफ ऑफ 12 को मैंने ए माना था और एफ ऑफ 13 आ रहा था 91 प्लस ए, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 91, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखो एफ ऑफ 13 था 91 प्लस ए और एफ 14 है 2a प्लस 91, और ये वाली वैल्यू एफ ऑफ 15 दे रखे 617, राइट। तो 617 इक्वल्स टू 3a प्लस ये कितना हो जाएगा 91, 182, सो 3a की वैल्यू हो जाएगी इधर आके 5 और 61, 18, 43, तो 14, 42, a की वैल्यू 145 आ गई। क्वेश्चन क्या बोलता है, एफ 10 पूछता है, ठीक है, तो एफ 10 निकालना है। एफ 10 कैसे निकालेंगे, तो एफ 10 के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एफ ऑफ 9, सॉरी 2 का गैप था ना, एफ ऑफ 1 मिनट, एफ ऑफ 10 निकालना है, 1 मिनट, हाँ एफ ऑफ 10 निकालना है। और ये आपसे बोलता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी एफ ऑफ 10 की। तो अगर मैं एफ ऑफ 10 की बात करता हूँ, तो आपके पास जो रिलेशन दे रखा है एफ ऑफ, रिलेशन आपके पास दे रखा है ना कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 10 पुट कर देते हैं। तो अगर आप एक्स की वैल्यू को 10 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 लगानी है तो ये हो जाएगा एफ 12 और ये हो जाएगा एफ 10 और ये हो जाएगा एफ ऑफ 11, राइट। तो एफ 10 कितना आ जाएगा, तो एफ 10 इक्वल्स टू एफ 12 माइनस एफ 11, राइट। तो एफ 12 मैंने निकाला था अभी कितना, दैट वाज एफ 12 वाज ए, मैंने ए अज्यूम करा था इसको, तो दैट वाज ए माइनस, और ये आपको दे रखा है था कितना 91 दे रखा है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया 91, तो ये आपको 145 माइनस 91 ये 4 आ जाएगा और ये 5, तो एफ ऑफ 10 वाज 54। सो विल बी डूइंग नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस, और भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है उसका एंजॉय करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।